मॉर्निंग गाइस, फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो आज से मेरा लाइफ चेंज होगा बोला था मैंने लास्ट ब्लॉग में। तो क्या है कि मैं आज अभी सुबह के बज रहे हैं 9, तो मैं अभी हॉस्टल छोड़ूंगा आज। मतलब मैं रेंट में शिफ्ट हो रहा हूँ। मतलब यहाँ पे ऐसा था कि हॉस्टल में एक साल रहना था, तो लेने के बाद फिर मैं छोड़ नहीं पा रहा था, तो अभी मेरा एक साल हो गया हॉस्टल में शिलोंग में। तो अभी मैं हॉस्टल छोड़ सकता हूँ, तो मैं दोस्त के साथ रेंट में रहूंगा, हॉस्टल के सामने ही है। तो अभी मैं हॉस्टल में शिफ्ट होऊंगा, अभी सुबह 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 शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो पैकिंग वगैरह मेरा सब हो गया है, बस सामान शिफ्ट करूंगा इसके साथ सामान शिफ्ट करूंगा। तो अभी पहले जाके मैं सामान रख देता हूँ, फिर सामान रख के फिर स्कूटी लाने जाऊंगा, वो उसी घर का सामने है। उसके बाद स्कूटी ला के हॉस्टल में आऊंगा, क्योंकि सारा सामान एक बार में लेके नहीं जा सकता। तो फिर मैं दो दो शिफ्ट में लेके जाऊंगा, तो एक बार में मैं लेके जा रहा हूँ, फिर एक दो ही बचेगा, धोया हुआ कपड़ा भी है। तो पहले अभी सामान रख के आता हूँ, जो जो सामान पैक हुआ है। ये मेरा इतना सामान, ये एक ट्रॉली, ये एक बैग बस, और ये सब सामान है, ये सब और बाहर है, तो इतना ही है। तो ये सब सामान पहले शिफ्ट करके आते हैं, फिर शिफ्ट करके आके मैं कॉलेज चला जाऊंगा। कॉलेज से आके मतलब हॉस्टल में घुसूंगा, फिर जितना सामान है बचा कुचा सब लेके फिर जाऊंगा रेंट में। तो अभी चलते हैं रेंट में मेरा, चलो लेट्स गो चुक भाई, हॉस्टल छोड़ के जा रहा हूँ गाइस। एक बात अच्छा है, अभी थोड़ा सा मेरे को वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडम मतलब था ही फ्रीडम, बस थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह, शाम को हॉस्टल घुसते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो अभी ठीक हो जाएगा। इधर दो मेरा बैग है हॉस्टल, जो एक चीज मिस करूंगा मैं हॉस्टल में वो होगा वाईफाई को बहुत मिस करूंगा। फ्री वाईफाई था यहाँ पे शिलोंग में, जियो का नेट काम ही नहीं करता है, और मेरा है जियो सिम। मैंने बैकअप में बहुत कुछ रख लिया डाउनलोड करके, वो सब देखता रहूंगा, फिर जब नेट आएगा रात को तब वापस उसको यूज करूंगा। तो अभी चलते हैं फिर। तो यहाँ पे रूम बहुत मतलब बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे रूम शिलोंग में। तो ये दोस्त बोल रहा है ये मणिपुर से आया, तो 4000 में जिस रूम में मैं अभी हूँ वो 4000 में मिल जाता है, लेकिन इसका जो जिस रूम में मैं अभी हूँ उसका यहाँ पे 7000 है। तो भाई अभी सामान वगैरह रख दिया है, मतलब वो मेरा एक दोस्त था ना जो स्कूटी के साथ में, स्कूटी से क्या बोल रहा हूँ, थक गया बहुत, जिसके साथ में स्कूटी में जाता हूँ कॉलेज, तो वो अभी गांव में गया है। तो वो जिस रेंट में रह रहा था मैं उसी रेंट में वो अभी फिलहाल के लिए। तो हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ शिफ्ट होंगे उस रूम से, क्योंकि ये वाला बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम लोग अलग कोई सस्ता रेंट ढूंढेंगे। तो फिलहाल के लिए एक महीने के लिए मैं इधर ही हूँ, क्योंकि वो अभी शिलोंग में नहीं है, गाँव में गया है। तो जब वो गाँव से आएगा तब नया रूम ढूंढेगा दोनों साथ में मिल के। तो अभी के लिए एक महीने के लिए रुकते इधर ही, और अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी लाने, स्कूटी ला के इसको हॉस्टल में छोड़ूंगा, फिर जाऊंगा कॉलेज। स्कूटी लेते हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं। चलो आज जहाँ स्कूटी मैं कल रख के गया था उधर ही है, आज कुछ नहीं हुआ, तभी स्कूटी लेके निकलते हैं हॉस्टल। चलो विंग कॉलेज, बाय बाय। चलो अभी कॉलेज चलते हैं, टाइम हो गया है। चलो गाइस सीधा मिलते हैं कॉलेज में, लेट्स गो। हेलमेट निकाल लेता हूँ डिक्की से। हेलो गाइस, कॉफी का चाय, सॉरी कॉफी। हेलो गाइस, वेलकम आप लोग आंडबाजी कर रहे। हेलो चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग, 10 रुपए वाला कॉफी।
हम लोग क्लास करने जा रहे हैं गाइस, आखिरी क्लास हम लोगों का, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर है ना इसलिए ओ माय कसम क्या हवा रहे। ओ सार क्लास खत्म, हैपनिंग गाइस, गोइंग होम क्लास खत्म, एंजॉय। मैं अभी जस्ट हॉस्टल के सामने पहुंचा, जस्ट हॉस्टल के सामने पहुंचा। मेरे को जो बचा कुछ सामान है हॉस्टल में वो सबको लेके जाना पड़ेगा मेरे को, तो उसके लिए मैं भी हॉस्टल में जाऊंगा। कुछ सामान जो बचा कुछ सामान है वो सब लेके जाना है, उसके लिए हॉस्टल जाऊंगा। वो दोस्त के लिए रुकाओ, मेरे रूममेट के लिए रुकाओ, उसको कहीं पे जाना है दुकान में, तो उसको लेके जाता हूँ। तो उसको फिर उसका काम होने के बाद फिर मैं हॉस्टल में जाके सामान ले लूँगा, उसके लिए वेट कर रहा हूँ। मैं आया नहीं अभी तक, उसको कुछ लेना है तो उसके साथ जाके लेके आता हूँ पहले, फिर उसके साथ ही हॉस्टल में जाके बच्चा कुछ सामान ले लूँगा। कपड़ा वगैरह है एक दो, कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेके। टाटा बाय बाय, चलो। कितना देर कर रहा है, अभी तक नहीं आया ये। तो वहाँ पे मेरा दोस्त जो रूममेट है हॉस्टल का, वो ट्रंक देख रहा है, वो भी जाएगा वहाँ मणिपुर जाएगा, वो भी शिफ्ट हो रहा है, मतलब वो भी शिलोंग से रहेगा, तो उसके लिए वहाँ तो ट्रंक देख रहा है। ट्रंक देखने के लिए आया था, वो प्राइस की है ट्रंक का, सामान वगैरह लेके जाने के लिए उसको ट्रंक चाहिए। जब आया था तब इतना सामान नहीं था, बहुत ज़्यादा सामान हो गए, तो एक सूट कैसे नील लेके जा पाएगा, इसलिए ट्रंक का प्राइस कितने मिल जाएगा, तो हो गया इसका। हाँ गया, चलो चलते हैं। अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे पार्किंग में, तो अभी ये स्कूटी वहाँ पे पार्क कर दूँगा, फिर पार्क करके मैं हॉस्टल जाऊँगा इसके साथ फिर हॉस्टल पैदल जाऊँगा, तो वहाँ से सामान वगैरह लेके मैं आ जाऊँगा रेंट में, फिर ख़त्म, बस डन। चलो, स्कूटी पार्क हो गया, इसका काम हो गया, अब चलते हैं हॉस्टल। क्लोज द डोर। तो फिर अभी हम चलते हैं हॉस्टल, फिर हॉस्टल से मैं सामान लूंगा, सामान लेके फिर मैं मेरा नया घर में आ जाऊंगा। हॉस्टल जाके सामान वगैरह ले लेता हूँ मैं, इसको भी छोड़ दूंगा हॉस्टल में। कल सुबह से शायद इसको स्कूटी सिखाना है ना, इसको स्कूटी सिखाना है, तो ये बोला कल सुबह मेरे को 5:30 बजे उठना पड़ेगा, सुबह उठ के फिर इसको स्कूटी सिखाऊंगा, इसने बोला सिखाने के लिए। सिखा देंगे क्या है, बेचारे के पास लाइसेंस है 4-व्हीलर का, चलाना नहीं, इसको 2-व्हीलर भी चलाना नहीं आता, ये दिक्कत है भाई। तो इसको कल सुबह 5:30 बजे स्कूटी सिखाना पड़ेगा, कल से मतलब एक हफ्ता है शायद, ये भी शिलोंग में, इसको ये भी मणिपुर चला जाएगा, तो एक हफ्ता में इसको सिखा दूंगा जितना हो सके। तो अभी फिलहाल चलते हैं हॉस्टल, लेट्स गो। अभी हॉस्टल छोड़ूंगा मैं, जो एक चीज सबसे ज्यादा मिस करूंगा वो होगा फ्री वाईफाई, बाकी सब तो ठीक है यार, अभी उधर दोस्त के साथ रहूंगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। ये रहेगा मेरा इधर बैग में मेरा सारा सामान आ गया, उस तरफ दिखा देता हूँ, इधर इसको थोड़ा सा मिस करूंगा, सबसे टॉप में वाईफाई है, फिर ये है। उसके चलते हैं अभी, इधर रेंट पे जाऊंगा, पैकिंग हो गया मेरा, निकलते हैं गाइस, इस ब्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं।